दिस हाउस इज डम्ड टू रन, यानी खत्म नबूवत का बिल जो लाए, एक तो उनको सजा दी जाए भले कोई भी हो, मेरे मरने से पहले खुदा इन सिमकियों को मौत दे तो सबसे बेहतर। और वो शख्स जिसके अगर लिए आसिफाने रसूल, अगर के मुझे आगे चलना होता तो मैं शायद कसमी में तकरीर न करता, मैं बोलता ही ना, तो खत्म। हर चीज का वक्त होता है, फैसला हो गया, हर चीज का वक्त। आपको देख के बहुत से लोग फैसला, खुदा को तौफीक दे, खुदा को तौफीक दे। पिछले 37 साल से मुतवाकिल नॉन पे जाता रहा हूँ सब जगह, अल्लाह के घर और रोजा रसूल पे। अगर कि मैं यहाँ बात न करता, कहता ना, मैं वहाँ क्या मुंह दिखाता, क्या बात अल्लाह, मैं तेरे से ये चीज लेकर आया था, मैं यहां ना बोल सका। उसके बाद किसी एक ऐसी जगह पे रहना नामुमकिन है मेरे लिए, मेरे लिए नामुमकिन है। तो इसका मतलब ये है, मेरे लिए नामुमकिन है। मैंने इसीलिए मैं सामान भी समेट के आया हूँ, वापस आ गया, घर जा रहा हूँ, और अल्लाह मुझे तौफीक देगा कि जो कुछ होगा मैं तो फिर वही साफिर हो रहा हूँ ना भाई, सुबह वही साफिर हो रहा। Thank you.
नाज़रीन मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के खिलाफ साजिश करने पर आज ये ऐलान कर दिया है कि वो उनके साथ नहीं खड़े हो सकते जिन लोगों ने साजिश की। ये आज एक बहुत अहम न्यूज है जो आपके सामने जा रही है और हम सब लोग मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को सलूट करते हैं कि उन्होंने पहले भी असूलों की बुनियाद पर रिजाइन दिया और आज आशिक़े रसूल का हक अदा कर दिया कि ऐसी जमात के साथ नहीं खड़ा होना चाहते हैं जो तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत के खिलाफ साजिश करे।